هلا اجا الزعيم العظيم मेरा नाम है दानियाल खान और आप देख रहे हैं दानी ब्लॉग्स। तो हॉलीडे था आज, मतलब पूरे हफ्ते की छुट्टी थी, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। तो अभी जोर की नमाज़ पढ़ के मैंने खाना खाया, बरीदा को छोड़ के आया, तो थोड़ी देर फिर रेस्ट किया अभी तक। तो अभी असर की अजान हुई है, असर की नमाज़ पढ़ के हम जाने लगे हैं मामू के घर, सरफराज मामू के घर जो रहते हैं वाह फैक्ट्री में। तो वाह फैक्ट्री जाएंगे हम, और बहुत प्यारी है वाह फैक्ट्री, बहुत प्यारा है टेक्सला वाली साइड पे। तो अभी हम निकलने लगे हैं, नमाज़ पढ़ के निकलेंगे हम, तो आपको वाह फैक्ट्री भी दिखाएंगे। और एक मसला था, इस वजह से हम उनके घर जा रहे थे कि उनके घर में ना साथ बड़े दरख्त लगे हुए हैं काफ़ी, तो वो पूरा बड़ा दरख्त उनके घर में आके गिर गया था, तो उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इस वजह से हम पता भी करने जा रहे हैं, अभी उन्हीं से बात हुई है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी उठा रहा हूँ। उनकी दीवार भी गिर गई, गाड़ी भी नीचे दरख्त के आ गई, दरख्त काटने भी नहीं देते, दरख्त काटने का 3 लाख रुपया जुर्माना है, तो इस वजह से वो कटवा भी नहीं सकते थे, उन्होंने दरख्वास्तें दी थी लेकिन। तो अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, वो आप वीडियो देख लें, थोड़ा सा मेरे पास 1 मिनट का क्लिप पड़े, आप वो वीडियो देखें, मैं तब तक नमाज़ पढ़ गया था, नमाज़ पढ़ के फिर निकल। अस्सलाम वालेकुम जी, देखने सुनने वालों को, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ये है जी वाक एंड बी डैप, ये दरख्त टूटा, ये देखें 2007 से लेके 2021 तक हमारे पास सारी दरख्वास्तें मौजूद हैं, कैंट बोर्ड को दे के थक गए हैं, ठीक है। ये देखें ज़रा इसकी हाइट चेक करें और इसकी मोटाई चेक करें, ये मेरी नीचे गाड़ी पड़ी हुई है, ये मेरे घर के अंदर का व्यू है, ये देखें, ये मेरे घर के अंदर का व्यू है, ये देखें ये सारे दरख्त पड़े हुए हैं, ये ठीक है, वो नीचे मेरी गाड़ी दबी हुई है, ठीक है, ये गाड़ी हमारी नीचे दबी हुई है, ठीक है। ये महकमा सिर्फ दरख्वास्तें ले लेता है, उसके बाद आता कोई भी नहीं, ठीक है। ये यहाँ से टूटा है, ये हमारे साथ पड़ोस वालों की गाड़ियाँ नीचे पड़ी हुई हैं, ये देखें ये यहाँ से टूटा है, इसकी मोटाई चेक करें, ये गाड़ी इनकी ये नीचे पड़ी हुई है, ये इसके नीचे ये दबी हुई है, ये देखें 2007 से ले कर हम दरख्वास्तें दे रहे हैं, ठीक है। ये गाड़ी नीचे दबी हुई है, ये आमर भाई की गाड़ी, ये देखें, ये देखें, ये इनके इनके भाई हैं जो उस दीवार के नीचे आए हैं, उसकी बेचारे की टांग भी टूट गई है, इनके छोटे छोटे भांजियाँ हैं, ठीक है, वो इस दीवार के नीचे आए हैं, ये देखें। और ये हमारी और इनकी दीवार के साथ बिल्कुल ये दरख्त लगा हुआ है, इसकी हाइट चेक करें, ये देखें, ये देखें ये गाड़ी इसके नीचे पड़ी हुई है, ये ठीक है, ये यहाँ से टूटा है, ये मेरी गाड़ी नीचे पड़ी हुई है, ये भाई की गाड़ी के शीशे वीशे टूट गए हैं, टायर फट गए हैं, ठीक है, सारा नुकसान हो चुका है। हम तैयार हो चुके हैं, नमाज भी हमने पढ़ ली है और अभी हम निकलने लगे हैं, गाड़ी स्टार्ट है भाई, तो मैं इनके बता देता हूँ, तो अभी हम निकलते हैं और उधर पहुँच के मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी हम काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ईएमई के बाहर, और तकरीबन 25 मिनट हमें हो गए हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अड्डे पे और नीचे नानों के घर जा रहा हूँ, क्योंकि नानों को पाए देने पाए बनाए थे और नानों को पाए बहुत अच्छे लगते हैं, तो मामा कहती हैं चलो रख लेते हैं, जाते हुए नानों को दे देंगे। तो रश बहुत है ईएमई से लेके इधर जंगी तक हम पहुँचे हैं 25 मिनट में, हालांकि 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो बाबा ने कहा ये जल्दी से दे आओ, फिर आगे भी रश है, पता नहीं है कब पहुँचने, 7:30 अभी हो गए हैं, जल्दी से मैं पाए दे के फिर वापस गाड़ी में निकलते हैं।
अभी आगे तक 26 नंबर तक मतलब फुल ट्रैफिक जाम है और हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अब देखते हैं कब जाके पहुंचते हैं हम वहां पर। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह वाक एंड पहुंच चुके हैं 2 नंबर बैरियल से। हम अभी अंदर एंटर होंगे और अंदर जाके अभी हमने फ्रूट लेना है। पहले ये हम फ्रूट वाली रेड़ी पे आ गए हैं, तो बाबा फ्रूट ले रहे हैं और मैंने कहा मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो बाबा कहते हैं अच्छा बना लो। आम, आड़ू और नाशपाती वगैरह लेनी है, ले कर फिर जल्दी से मामू के घर चलते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया, 9 बज गए। तो अभी हम मामू के घर आ चुके हैं और मामू को मिलते हैं, अभी सलाम दुआ करते हैं। बैरियर टाउन से वह फैक्ट्री तक हमें 3 घंटे लगे हैं पहुंचने में, ट्रैफिक भी काफ़ी थी। तो ये मामू के घर में ग्रीनरी आप चेक करें, अगर दिन होता तो मैं आपको दिखाता ग्रीनरी। पहुंचे हैं, वो खाने का इंतजाम कर रहे हैं और मैं सुपर कार्ड लेने जा रहा हूँ। बाबा सुपर कार्ड करवाते हैं ना, तो उनका सुपर कार्ड ख़त्म हो गया, कहते हैं जो सुपर कार्ड ले आओ। मैंने कहा चलो अभी सेव मार्ट के नीचे से मिलेगा सुपर कार्ड लेते हैं, फिर घर की तरफ चलते हैं। इधर यम बेकर बना हुआ है और ये सामने सेव मार्ट, हमने सेव मार्ट से लेना है कार्ड। तो यम बेकरी ये बहुत पहले से बनी हुई, हम स्टार्टिंग से इधर मामू के घर आते थे तो इधर से जो चीज़ लेती है इधर से ही लेते थे, और नीचे रिफ्रेशमेंट यम बेकर का। तो और ये सेव मार्ट ये 2 साल पहले बना है सेव मार्ट। सुपर कार्ड नहीं मिला, तो अभी आगे जाते हैं और आगे जाके देखते हैं शॉप खुली हुई है कि नहीं। कार्ड ले लिए, क्लिनिक से मिले तो शुक्र है मिल गए। रश बहुत है इधर, बड़ी मुश्किल से रोड क्रॉस किया मैंने। तो अभी अंदर चलते हैं और मामू के पास बैठते हैं। मामू ने गाड़ी स्टार्ट की है, बाबा अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और मामू के साथ हम जाने लगे हैं। मस्जिद चौक है इधर, मरकजी मस्जिद है तो उसके पास, तो उधर जाके कुछ चीज़ लेनी है, पता नहीं क्या बताया नहीं। मामू कहते हैं बैठो, तो अभी निकलते हैं और मैं आपको मरकजी मस्जिद भी दिखाऊंगा, काफ़ी बड़ी है वो। क्यों ऑर्डर दे दिया हमने और अभी आगे चलते हैं। वॉक एंड भी माशाल्लाह बैरियर टाउन की तरह बहुत आबाद है और इधर ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अभी बेकरी वगैरह हर चीज़ है, तो इधर बेकरी के साथ अभी दही की दुकान बनी है, हमने उधर से दही लेना है। दही लेके आपको मस्जिद चौक पूरा मरकज़ घुमाएंगे आपको, और कुछ चीज़ें भी लेनी है हमने उधर से। ये दही लेते हैं और दही लेके फिर निकलते हैं। सजी बन रही है, सजी बनती है फिर लेके चलते हैं। बड़े मजे की लग रही है, 2 सजी हमने ऑर्डर की हैं तो लेके निकलते हैं। उनके घर सब्जा बहुत है पीछे पूरा इनका, मतलब सामने गार्डन टाइप बना हुआ है, तो अंदर रोटी तैयार हो गई है। पहले रोटी खाते हैं, रोटी खा के फिर मुलाकात करते हैं। ये देखें खाने में माशाल्लाह हर चीज़ है, चने सजी कीमा हर चीज़ है, मतलब
खाना खाते हैं। अभी हमने खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, सजी भी थी और साथ मतलब तीन चार सालन थे, फ्रूट चाट था, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी। और अभी अंदर बाबा बैठे हुए हैं, उनके साथ गप वगैरह लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो बातचीत करते हैं। और अभी काफ़ी टाइम हो गए, 10 बज गए हैं, तो घर भी जाना है। 3 घंटे में हम पहुँचे हैं इधर, ट्रैफिक भी थी बीच में और रुके भी थे, फिर भी 3 घंटे बहुत ज़्यादा हैं बैरिया से लेकर वाह फैक्ट्री तक। तो मुझे नहीं पता कितना मतलब किलोमीटर का बनता है, लेकिन 3 घंटे का रास्ता है। तो अभी अंदर जाते हैं, थोड़ी देर मामू के पास बैठते हैं और फिर टाइम पे निकलना है, घर भी पहुंचना है। तो अभी अंदर जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम निकलने लगे हैं क्योंकि 10 हो गए अभी, मेरा होता है। हम निकलने लगे, बाहर गाड़ी स्टार्ट है, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग एंड करके आता हूँ, आप गाड़ी स्टार्ट करें। बाबा बाहर गाड़ी निकाल रहे हैं और फैमिली बैठ चुकी है, तो मैंने कहा व्लॉग यहाँ पर ही एंड कर देता हूँ क्योंकि 11:20 हो रहे हैं और घर पहुँचते पहुँचते मैं 1:30 हो जाएंगे क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है वहाँ फैक्ट्री से बैरिया टाउन। तो आज का व्लॉग बहुत मज़े का था, तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट भी बताएं व्लॉग कैसा लगा है, मज़ीद यूँ ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।